आपके होने ना होने से दुनिया में कुछ फर्क पड़े? तो मतलब मैंने तो नौकरी छोड़ दी, इसीलिए छोड़ दी गई, मुझे ऐसा लगा गया। मैम हमारा उद्देश्य मैम यही है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। सर कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि एक आईएएस बन जाना या फिर बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना नंबर टॉप पे ले आना। मेरा मानना है कि अगर आपकी मेहनत से किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आ रही है तो आपकी मेहनत सफल है। इम्पैक्ट आप क्रिएट करें, आपके होने ना होने से दुनिया में कुछ फर्क पड़े। तो मतलब मैंने तो नौकरी छोड़ दी, इसीलिए छोड़ दी गई, मुझे ऐसा लगा गया कुछ तो चेंज लेकर आना चाहिए। कि ठीक है बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन इतना सारा बच्चा जो परेशान हो रहा है। और एक डाउट है, आप अगर सॉल्व करना चाहें तो आपने भी जॉब छोड़ दी, मैंने और भी एग्जांपल्स देखे कि ऑफिसर बनने के बाद में लोग जॉब छोड़ देते हैं, और पहले ऑफिसर इसलिए बनते कि कुछ करना है, फिर जॉब इसलिए छोड़ते कि कुछ करना है। तो ऑफिसर बनने के बाद में मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि हमको मतलब ये डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं हम अपने डिसीजन को फ्रीली लेंगे इसलिए हम जॉब में नहीं रहेंगे? तो मैम नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ, सर्विस आपको बहुत अच्छे मौके देती है कि आप अच्छा काम कर सको, आप अच्छे चेंजेस ला सको, लेकिन वहाँ पे आप एक बहुत बड़े सिस्टम का पार्ट होते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि बहुत बड़ी मशीन है जिसका ऐप आप एक छोटा सा कलपुर्जा है, उस कलपुर्जे का ठीक काम करना बहुत जरूरी है। अगर उसने ठीक काम नहीं किया, अगर उसने ईमानदारी से काम नहीं किया, उसने एफिशिएंसी से काम नहीं किया, तो पूरी मशीन की स्ट्रेंथ है जो प्रोडक्ट बनेगा वही ठीक नहीं बन पाएगा, है ना। लेकिन वहाँ पे आप अगर ये सोचें कि हम एक बड़े लेवल पे कोई चेंज ला सकते हैं, सरकारी मतलब सरकारी सिस्टम में ला सकते हैं लेकिन वैसे नहीं ला सकते। जैसे जब मैं सिविल सर्विसेज के अंदर अपना जॉब कर रही थी तो वहाँ पे भी कई सारे मौके अच्छे मिले मुझे, अच्छे अच्छे काम करने के। लेकिन जब मैं यूपीएससी में मैंने थोड़े से इंटरव्यूज लिए, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, तो पढ़ाते पढ़ाते ना वो मेरे अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि टीचर वाली इंस्टिंक्ट है। टीचर वाली इंस्टिंक्ट क्या होती है कि बच्चा सामने दिखता है ना तो अचानक से ज्ञान बहने लगता है। कि अरे यार तू ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, वो करना। तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मेरे अंदर एक पैशन है पढ़ाने का। और अब जो मतलब फिर मुझे ना ये राजेंद्र नगर की मैंने खुद भी बहुत धक्के खाए हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल किया है, बिल्कुल है ना, बहुत ये सब चीजें मैंने खुद पर्सनली झेली हैं कि अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ घर वालों के, तो घर वालों को सपोर्ट है लेकिन समाज ना कह रहा है कि ये सब करो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अब एक तरीका तो है कि यार सिस्टम में बने रहो, यहाँ पे आगे कुछ चेंज मत करो। दूसरा ये कि अगर आपका कुछ दिख रहा है आपको खराब है तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, और पीछे से बुराई करने का कोई फायदा नहीं है। सिस्टम खराब है उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने एक दिन मैंने छोड़ी नौकरी, मैंने 7.5 साल काम किया है, जी जी जी, तो वैसे मैं यंग लग रही हूँ क्या, ऐसा लग रही है 7.5 साल काम किया। तो मैंने 7.5 साल काम किया है सरकार के अंदर, और सब पोस्टिंग्स देख लेने के बाद मैंने सोचा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं ना, लेट अस डू समथिंग इन पेडागॉजी। और ये भी एक जील है, देखते हैं कितनी सफल होती है। हाँ मैम बिल्कुल, आपका मैम देखिए आपने गोल अच्छा बनाया है, आपने जैसे कि पहले मुझे बताया भी कि आप क्या क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं इन फ्यूचर में, मैंने भी कुछ आपको बताया, आप उसको भी ऐड करने वाले हैं। आपका गोल अच्छा है और मेरा भरोसा है कि आप तो ऑलरेडी कामयाब है, आप तो बस आगे ही जाएंगे, पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है।